छिंदवाड़ा में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्ती, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट चालकों का कटा चालान, लगातार हो रही कार्रवाई, फिर भी मिल रहे लापरवाह, नियमों का पालन करने की दी जा रही हिदायत। खरगोन में बाजीराव पेशवा की 238वीं पुण्यतिथि का आयोजन, पेशवा के वंशज और मस्तानी परिवार ने दी श्रद्धांजलि, मंत्री पटेल ने कहा जल्द ही समाधि स्थल बनेगा, अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। डिडोरी में बैगा जनजाति पीने के पानी को तरसी, 2 किलोमीटर दूर से ला रही पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर, ग्रामीण जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। भोपाल में अधिकारियों के साथ शहर में महापौर सक्रिय, शहर के विभिन्न क्षेत्रों को कर रही निरीक्षण, अधिकारियों को बेहतर साफ सफाई के दिए निर्देश, नियमित सफाई न होने पर लगाई फटकार। भोपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कांग्रेस के साफ कहने वाले बयान का किया पलटवार, सीएम ने कहा कि मोदी जी साफ नहीं, देश की आस है। ग्वालियर में अस्पताल में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप, शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र का मामला। भोपाल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि, तापमान में लगातार गिरावट, 5 मई के बाद भीषण गर्मी की संभावना। इंदौर विधानसभा 3 में सीएम राइज स्कूल के उन्नयन कार्य का हुआ शुभारंभ, महापौर क्षेत्रीय विधायक हुए शामिल, 26 करोड़ की लागत से बन रहा स्कूल। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची सीबीआई, संजीवनी को ऑपरेटिव में हुए धोखे के लिए जानकारी, निवेश के नाम पर फरियादियों से लिए थे लाखों रुपए, सीबीआई को सौंपा था मामला। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, रविवार को 100वें एपिसोड होंगे, पूरे कार्यक्रम को खास बनाने में जुटे भाजपा नगर के सभी 1604 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित। भोपाल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कार्यकारिणी का गठन, डॉक्टर सनवर पटेल बने अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। भोपाल कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे सीएम, कर्नाटक की जनता को एसएमएस से बचने को कहा सीएम ने, डबल इंजन की सरकार ही बचा सकती कर्नाटक को। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने मनाया ट्रैफिक सप्ताह, आमजन को ट्रैफिक के प्रति किया जागरूक, निःशुल्क हेलमेट एवं मास्क का किया वितरण, लोगों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी।